अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये कैसा स्टेप आपने उठाया है और उसके पीछे क्या वजह रही? हम सभी जानते हैं कि नगर निगम की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत डगमगा चुकी है, और इस कारण से ये मुझे पहल करनी पड़ी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सरकार द्वारा जो पैसा आता है चुंगी क्षतिपूर्ति कर, यात्री कर, प्रवेश शुल्क, मुद्रांक शुल्क और बाजारी वसूली जो कि शासन द्वारा भी बिल्कुल ही बंद कर दी गई है, इस कारण से नगर निगम में पैसा नहीं है बिल्कुल भी, जिससे हम कर्मचारियों का पेमेंट समय पर नहीं कर पा रहे हैं और जो काम होने चाहिए शहर में वो भी नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से, और मुख्यमंत्री अधोसंरचना और कायाकल्प का जो पैसा वो भी नहीं आ रहा है, जिससे ठेकेदारों का भी पेमेंट नहीं हो रहा है, और जो अधिकारियों द्वारा जैसे मुझे सूचना मिली है कि पानी के टैंकर बंद किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर हम पानी के टैंकर बंद कर देंगे तो हमारी जनता पूरे उसमें तराई तराई मच जाएगी, क्योंकि पानी के बिना तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कचरे की गाड़ी है उस पर 3-3 दिन बाद डीजल दे रहे हैं, जेटिंग मशीन में 3-3 दिन बाद डीजल दे रहे हैं, तो पूरे शहर में कचरे की आप देखिए जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, हमारे जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं वो धूल धक्कड़ से परिपूर्त हो रही हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करवाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद जब डीजल मिलेगा तब तक तो हमारे शहर की बहुत व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने खर्चे में कटौती करके अपने सहयोग से थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो हमारे नगर निगम की स्थिति सुधरेगी। अभी मैंने गाड़ी और डीजल वापस किया है और मैं चाहती हूँ कि सभी अधिकारी अपने खर्चे में कटौती करें, अपनी अपनी गाड़ियाँ वापस करें, और जिससे हमें नगर निगम की हमारी व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी जैसे विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये भी लोगों को 3-3, 4-4 महीनों से नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमारे नगर निगम में अभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोग अगर मिलकर सहयोग करें तो मुझे लगता है नगर निगम की स्थिति सुधर सकती है, और मैं सरकार से भी चाहती हूँ कि जो शासन के द्वारा जो फंड भेजा जाता है वो नगर निगम के लिए भेजा जाए, जिससे हमारे शहर में व्यवस्थाएँ सुधरें और हमारे शहर में काम सुचारू रूप से चल सकें।